यह परेश साहू हैं जो उड़ीसा के निवासी हैं, जिन्हें पेड़ से गिरने के कारण कमर की हड्डी D12 में फ्रैक्चर आ गया था। इस कारण उन्हें गर्दन व पीठ में दर्द और जकड़न होने लगी थी। उन्हें लिखने, बटन लगाने और भोजन करने में समस्या होने लगी थी। इन्होंने कई जगह दिखाया, परंतु सही सुझाव व उपचार कहीं नहीं मिला। जब डॉक्टर्स ने उन्हें ऑपरेशन का सुझाव दिया, तब उन्होंने ऑपरेशन करने से मना कर दिया। कुछ समय बाद जब YouTube के माध्यम से डॉक्टर मनोज शर्मा जी के बारे में उन्हें पता चला कि वह स्पाइनल इंजरी का उपचार आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी टेक्निक से करते हैं, जब उन्होंने परेश साहू जी की MRI रिपोर्ट डॉक्टर मनोज शर्मा सर जी को दिखाई, तुरंत ही डॉक्टर मनोज शर्मा सर ने आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी से उनका उपचार किया। यहाँ तक हुआ ना, कोई बात अभी कभी ऐसी जगह नहीं है ना। इच्छा भी है सब कुछ करने की, करते कुछ नहीं है। मैं तो चाहूंगा ये भी देख लेता हूँ, यही तकनीक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड है। इन तकनीक को सीखने के लिए कई क्षेत्रों से विभिन्न लोग यहाँ कोटा में आते हैं और डॉक्टर मनोज शर्मा जी से आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी की एक नई शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से ट्रेनर्स यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। इन 7 दिनों में जो चमत्कार हुआ, आइए हम देखते हैं। दूसरा व तीसरा दिन परेश साहू जी वॉकर के सहारे चलते नजर आ रहे हैं। चौथे, पांचवे व छठे दिन वह बिना सहारे सीढ़ी उतरते चढ़ते नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों बाद वह बिना सहारे चलते नजर आ रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं परेश साहू जी से उनके इलाज के बारे में। आपका परेश साहू है। कहाँ से आए हो आप? उड़ीसा बरगढ़ से। क्या प्रॉब्लम थी आपको? और स्पेनल कर का प्रॉब्लम था। कैसे हुआ था आपके साथ ये? मैं पेड़ के ऊपर गए थे तो नीचे गिर गए, तो D12 का फ्रैक्चर हुआ था। D12 का फ्रैक्चर हो गया था? फ्रैक्चर हो गया था। आपने भी दिखाया था पहले? हाँ, एलोपैथिक का दिखाया था पहले, तो वो सर ने बोले थे ऑपरेशन करने के लिए बोल रहे थे, जो कि 2.5 लाख 3 लाख रुपया खर्चा होना होने वाला था। तो YouTube में सर्च किया तो सर का पता चल गया, तो डायरेक्ट हम घर से रिजर्वेशन कर करके बोलेरो इधर आ गए। मैं तो पहले लेट भी अच्छे से नहीं पाता था, लेट भी नहीं पाते थे। और अच्छा, प्रॉब्लम थी आपको उस टाइम पे? उस समय पे पूरा दर्द, पूरा बॉडी का दर्द था, चल भी नहीं पाते। चल तो लेटना तो मुश्किल था, चलना तो दूरी की बात है। चल नहीं पाते थे, उठ नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, फ्रेश होने नहीं जा सकते थे, है ना? हाँ, वॉशरूम नहीं जा सकते थे, कोई भी कुछ भी, सब बेड झाड़ा पर इस तरह सब करना है, खाना है, सब कुछ भी सब सोते हुए करते थे। वो भी सोने में भी आपको तकलीफ था, दर्द रहता था, है ना? तो जब आपको आयुर्वेदिक न्यूरो हॉस्पिटल में आप आए, तो यहाँ का जो ट्रीटमेंट हुआ उसके बारे में बताइए थोड़ा। यहाँ का थेरेपी तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, और सार भी चमत्कार कर देते हैं इधर, जितना भी पेशेंट को मैंने देखा, और मेरा भी जो ट्रीटमेंट हुआ पूरा चमत्कार पेशेंट तरह मैं भी सोच रहा हूँ। जब आपकी पहली थेरेपी हुई है यहाँ पे आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी, तो उससे आपको कितना, फर्स्ट डे में आपको कितना लगा, कैसा लगा फर्स्ट डे जो आपने ट्रीटमेंट लिया? अच्छा लगा, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा लगा पहला ट्रीटमेंट। उसके बाद धीरे धीरे आराम लगते गया। कितने दिनों में आप चलने लग गए? 4 दिनों में सर ने मेरे को
चलना फिर से सिखा दिया। और ये जो तकलीफ थी आपकी कितने टाइम से थी? बोले तो टाइम कितना हो गया था आपको इससे, मतलब जो आप चल नहीं पा रहे थे कितने दिन से नहीं चल पा रहे थे आप, कितना टाइम? और पूरा 20-25 दिन से चल नहीं पा रहे थे। 25 दिन से आप बस चल नहीं पा रहे थे, लेटे हुए थे। लेटने में भी आपको बहुत तकलीफ थी, बहुत तकलीफ। चार दिन में आपको ठीक कर दिया, ठीक कर दिया। चार दिन में इतना कंडीशन अच्छी हो गई कि आप चल सकते थे, हाँ। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप धीरे धीरे अपने आप खुद उठ के चलता हूँ। अब आप खुद उठ के चलने लगते हैं, हाँ। कितने दिन ट्रीटमेंट चला सर आपका? 10 दिन का। 10 दिन ट्रीटमेंट चला, और आप 4 दिन के बाद से आपको मतलब आराम मिलने लग गया था? चार दिन से पूरा आराम मिल गया। अब आपको आराम है, आप चलने के लिए आराम मिल गया, लेकिन थोड़ा दर्द था तो कम हो गया। अब तक कम हो गया, दर्द भी कम हो गया। कमर में दर्द नहीं है? दर्द है लेकिन थोड़ा थोड़ा रहेगा, हड्डी का धीरे धीरे। तो ये आपके साथ आए आपके पिताजी हैं? हाँ पिताजी हैं। सर आप बताइए कैसा रहा आपका यहाँ का? अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्या कहना चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में जो ट्रीटमेंट हुआ है? वो बोल नहीं सकता सर, वो बोल नहीं सकता क्या बोलूंगा यार, इतना अच्छा ट्रीटमेंट हुआ, बोल नहीं सकता। बोल रहे जवाब नहीं है उसके लिए। जो जिनको ये प्रॉब्लम है, जैसे आपकी कंडीशन हुई थी, आप लेटे हुए थे, तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या करें वो? उसको मैं बोलूँगा ऑपरेशन नहीं करना भाई, इधर आके सर के पास ट्रीटमेंट लो, बहुत अच्छा रहेगा।